जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि फॉर्म भरने में बहुत लोगों को परेशानी हो रही है। बहुत लोग क्या, सभी को परेशानी हो रही है। मैंने पूरे देश में देखा, मतलब सब जगह से कई लोगों से पूछा, अदर स्टेट से, राजस्थान से, यूपी से, बहुत लोगों से मैंने पूछा कि आपके वहाँ पर वेबसाइट चल रही है, तो वेबसाइट कहीं पर नहीं चल रही है, वहाँ पर कुछ ऐसा लिखा रहा, सर्वर डाउन आ रहा है, फिर वेबसाइट एरर आ रहा है। तो आज मैं आपको पहले तो आप बता दूँ, आज करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, आप लोगों ने मेरे चैनल को देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लिया होगा देखते हुए, क्योंकि हमारा चैनल नया बनाया गया जो कि बहुत अच्छी तरीके से रन कर रहा है और आपको आने वाली अपडेट सारी इस चैनल के माध्यम से जाएगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपके जो भी साथी किसी भी तरीके से आप आर्मी में जाना चाहते हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को शेयर कर दीजिए सभी लोगों के पास। लाइक जरूर कर लेना, कमेंट करके जरूर बताना। अगर किसी को कोई परेशानी हो रही है तो उसका मैं आप सभी को समाधान जरूर बताऊंगा। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं। तो पहले आशा करता हूं कि आप अग्निवीर सोल्जर्स एकेडमी से जुड़ चुके हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। अब मैं आपको बता दूं कि आर्मी फॉर्म भरने वाली परेशानियां क्या क्या परेशानियों का आपको सामना करना पड़ा। जो नया रजिस्ट्रेशन कर रहा है, न्यू रजिस्ट्रेशन, जो भी कोई नया फॉर्म भरने वाला, उसको प्रॉब्लम हो रही है। एक तो क्यों वेबसाइट चली नहीं रही है, तो प्रोसीजर जैसे आगे बढ़ाता है तो 3-4 स्टेप होते हैं, जैसे रजिस्ट्रेशन करता, रजिस्ट्रेशन के बाद अपनी डिटेल डालता, उसके बाद सबमिट करता, उसके बाद अप्लाई पर क्लिक करता, तो इतने अप्लाई पर पहुँचते पहुँचते सर्वर डाउन, क्या होता है, सर्वर डाउन हो जाता है। और दूसरे नंबर वेबसाइट एरर, वेबसाइट को खोलते हैं तो वेबसाइट पर एरर ही चलता रहता, खत्म ही नहीं हो रहा है, पता नहीं क्या कर रही है वो इंडियन आर्मी वाले, जिनके ऐसे वेबसाइट पर एरर चल रहा। एक आधार इनरोलमेंट प्रॉब्लम, मतलब कि आधार कार्ड का नंबर नहीं डालते, ऐसा होता कुछ लोग होता है कि उनके फार्म गलत हो जाता, पहले आधार नंबर डाल करके फिर बाद में वो एक और फार्म भरते हैं इनरोलमेंट नंबर डालकर, तो उसको पहले भर जाता था, उनको प्रॉब्लम हो रही है इनरोलमेंट नंबर डालकर फॉर्म भरने में। तो उसकी भी पूरी जानकारी दूंगा। जिन्होंने दोबारा 10वीं करी है, इन लोगों को सबसे ज़्यादा परेशानी हो रही है, जिन्होंने दोबारा 10वीं करी है, तो पहले फॉर्म भर जाता था वो भी इसी तरीके से भरते थे इनरोलमेंट नंबर से, लेकिन अब नहीं भर पा रहा, क्योंकि फॉर्म भरने के बाद जैसे आगे सबमिट करते हैं तो फिर से साइड में इधर के कॉलम में जैसे ऊपर 4 स्टेप आते हैं सबमिट करने के बाद, जैसे अपनी जानकारी सबमिट करते हैं ईमेल आईडी वगैरह ओटीपी के बाद, तो इधर की साइड वाली उसमें कॉलम में फिर से मांग रहा आपको ये आधार कार्ड का नंबर। तो मैं आज आपको पूरी जानकारी दूंगा। एक तो मैं आपको बता दूं कि सर्वर डाउन होने का क्या कारण है, कि कोरोना के चलते 3 साल से कोई भर्ती नहीं आई थी, आई थी 3 साल से, तो अब क्या पूरे देश में भर्ती निकाल दी गई है, तो उसके कारण सर्वर डाउन है, क्योंकि इतने सारे लोग अगर एक साथ एक्टिव रहेंगे तो किसी वेबसाइट पर वेबसाइट क्रैश हो जाती है, सर्वर डाउन हो जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि एक कहीं पर 25 दिन का, कहीं पर 30 दिन का, कहीं पर 20 दिन का, कहीं पर 30 दिन से फालतू टाइम दिया गया फॉर्म भरने के लिए। तो अपना अपना पहले फॉर्म भरने का टाइम चेक कर ले, उसी हिसाब से अभी फॉर्म निकले तो उसमें हाल ही में अभी कितने दिन हुए हैं, 7 तारीख हुई, 21 फॉर्म भरने शुरू हुए, कहीं कहीं पर 5 तारीख से फॉर्म शुरू हुए हैं, कहीं पर 6 तारीख से फॉर्म चालू हुए। तो शांति बनाए रखे, आराम से 2 दिन रुक करके, 2-3 या 4-5 दिन रुक करके उसके बाद फॉर्म भरे, क्योंकि अब भी कुछ रेलियों की नोटिफिकेशन रहेगी जिनको वो डालते हैं तो डालते वक्त वेबसाइट को बंद कर देते हैं, जब कोई नोटिफिकेशन नहीं, कोई वेबसाइट पर वो काम करते हैं, कोई अपडेट करते हैं तो वेबसाइट को बंद कर देते हैं, तो इस कारण होता है सर्वर एरर, वो सर्वर डाउन हो जाता है उस टाइम पर। एक वेबसाइट एरर, ये वेबसाइट एरर इस कारण आता है क्योंकि एक साथ कई लाख लोग वेबसाइट पर होते हैं फॉर्म भरने के लिए, तो इस कारण पहले क्या होता था कि 4-5 डिस्ट्रिक्ट को कितने राज्यों में अलग अलग भर्ती निकलती थी, उनका एक साथ पेपर होता था इस तरीके से, अब पूरे देश की है इस कारण होगा। और जिन्होंने 10वीं दोबारा करी है उनको भरने में प्रॉब्लम इसलिए हो रही है क्योंकि उन्होंने पहले फॉर्म भर चुके हैं, आधार नंबर डालकर, इनरोलमेंट नंबर डालकर भरने में प्रोसीजर लंबा हो रहा है और बाद में आधार नंबर मांग रहे हैं, इसलिए हो रही है। तो मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि 2-4 दिन 15-20 दिन के शांति बनाए रखें, जिनके पास टाइम है, जिनके पास टाइम नहीं है वो रात को जग करके 1-1.5 बजे फॉर्म भर लें, क्योंकि 1-1.5 बजे खूब अच्छे तरीके से वेबसाइट चलती है, उसमें रात को फॉर्म भरने में कोई परेशानी नहीं आती। अगर आपको किसी और से कोई और एरर आ रहा है, कोई भी संबंधित जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, आपको सबसे पहले सबसे स्ट्रिक्ट सबसे बढ़िया तरीके से जवाब दिया जाएगा जिससे आपको समझ में आ सके। और ये न्यू रजिस्ट्रेशन वाले ने नई तरीके भर्ती देखने वाले, उनके भरने परेशानी आ रही है, तो इनकी परेशानी ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन की हो रहेगी, जिनके पास टाइम कम है वो तो रात को भर लें, और जिनके पास है तो 1 महीना है तो वो उनके मुश्किल से 10 दिन की परेशानी हो रहेगी, उसके बाद आपका ये चालू हो जाएगा, न्यू रजिस्ट्रेशन प्रॉब्लम जो है साफ सॉल्व हो जाएगी ऑटोमेटिकली, क्योंकि वो वहाँ पर अभी काम कर रहे हैं, क्योंकि रोज डेली की नोटिफिकेशन डालते, आज 10 की डाली, कल 12 की डाली, कल 15 की डाली, इस तरीके से काम कर रहे हैं, तो काम करते वक्त पता वो भी काम करते वक्त सर्वर डाउन करके करते हैं जिससे वेबसाइट हैंग वगैरह ना हो जाए। तो अगर कोई भी आपको और कोई जानकारी जाननी है फॉर्म से रिलेटेड, कुछ भी चाहिए जानकारी चाहिए, क्वालिफिकेशन से वगैरह, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और आशा करता हूँ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, बिना सब्सक्राइब करे यहाँ से नहीं जाएंगे, क्योंकि आने वाली सारी अपडेट मैं आपको बताता रहूँगा। आपकी जो भी परेशानी है आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं इंस्टाग्राम आईडी का लिंक डलवा दूंगा। अगर कुछ आपको लंबी चौड़ी परेशानी है जो कमेंट बॉक्स में नहीं लिख सकते तो इंस्टाग्राम पर मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हो।
तो धन्यवाद, सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कर लेना।